Hello everyone, this is your educator Aisha Rashid and you are watching 7 Minute Tricks. In this video, we are going to discuss the most important idioms and phrases and the idioms and phrases that are related to colors. And colors and that particularly, we are going to discuss idioms and phrases that are related to white color. So let's begin with this session. All those who are new and watching me for the first time, I want to give you a polite reminder that do follow me on an academy by my name Aisha Rashid. Make sure that you all have to write correct spelling of my name. 5 PM पर वाईफाई स्टडी पर क्लास आती है और आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर चल रहे बेसिक रूल्स. सो व्हाइट कलर्स idiom सबसे पहला लिखा as white as sheet or ghost. इसका मतलब होता है extremely and unnaturally pale as due to डर के मारे या बीमारी से क्या हो जाना, पेल हो जाना. उसे क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसे बोलते हैं एज वाइट एज अ शीट या गोस्ट. गॉट इट. डू यू फील ऑल राइट. योर फेस इज एज वाइट एज शीट, यानी तुम्हारा फेस क्या हो रहा है, पेल हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक है. नेक्स्ट इज रेज अ वाइट फ्लैग, अपने को सरेंडर कर देना. To indicate one surrender, defeat or submission. भाई हमने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, हमने गिव अप कर दिया. All right, I raise the white flag, you win. That is, भाई देखो लड़कियों के सामने ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं, raise a white flag, उनसे हार मान लेते हो. लेडीज जो नहीं होती, खास खास जो लेडीज होती उनसे बहस लगाना, तो मतलब समझ गया ना आगे, तो लोग क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते. So, कैसे याद करोगे व्हाइट एलिफेंट, देखने में ही देखो ये व्हाइट एलिफेंट. अ व्हाइट एलिफेंट यानी कि एलिफेंट तो बड़ा खूबसूरत सा है बट वो है यूजलेस. वो क्या है, यूजलेस है. एन एक्सपेंसिव आइटम दैट इज ट्रबलसम और यूजलेस. माय फादर बॉट अ न्यू बाइक फॉर मी बट इट इज अ व्हाइट एलिफेंट बिकॉज आई हैवंट एनफ मनी टू फ्यूल इट. पिताजी ने दिला तो दी है भाई बट मेरे पास पैसा ही नहीं है क्या करने के लिए, फ्यूल डलवाने के लिए. तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाइट एलिफेंट. अब नेक्स्ट लिखा है व्हाइट वॉश समथिंग. व्हाइट वॉश समथिंग क्या हो जाएगा, अपनी गलतियों को छिपाना. टू कवर अप और ग्लॉस ओवर फॉल्ट्स और रॉन्ग डूइंग्स. द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू व्हाइट वॉश द स्कैंडल. गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी, वॉज एक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू व्हाइट वॉश, जो घोटाला हुआ था उसको बस कवर अप करने की कोशिश कर रही थी. ब्लीड समवन व्हाइट और ड्राई. ब्लीड समवन, किसी से मनी निकलवाना. To extort money from someone, these GST are going to bleed me. जो GST है अब तो ये पैसा निकलवा के रहेगा ही रहेगा, ठीक है. A white lie, जिसका मतलब होता है सफेद झूठ. एक ऐसा झूठ जो कि unimportant होता है, अगर उसके झूठ बोलने से कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, unimportant lie, ठीक है. A small or unimportant lie, so called as white lie. A lie that is not very harmful or serious. She tells me a white lie. She is not in a traffic. She is still taking bath. समझ रहे हो ना, वो अभी भी नहा रही है. और लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, भाई ट्रैफिक में फंस गया. फंसे ट्रैफिक में नहीं होते, मेकअप लगाने में फंसे होते हैं, फिर अब तैयार होने में फंसी होती है लड़कियां और झूठ बोलती है हम ट्रैफिक में फंसे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट वाइट होप. समवन और समथिंग एक्सपेक्टेड टू सक्सीड और हुम और विच सर्टेन होप्स आर बेस्ड. Someone or something expected to succeed or on whom, with certain homes, कुछ उम्मीदें लोग रखते हैं, ठीक है. जैसे the new video game console is widely seen as the foundering company last, उसकी last आशा की किरण. So someone or something expected to succeed or whom with certain hopes are based, are so called as white as hope. Great white hope. Okay, great white hope. नेक्स्ट तुम लोगों के सामने लिखा एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट. एज क्लियर एज क्लियरली, क्लैरिटी, क्लियरली डिफाइंड और डिफरेंशिएटेड विदाउट एनी रूम फॉर कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी, डिस्क्रिपेंसी. बिल्कुल साफ सुथरा, क्लियरली अगर किसी चीज को डिफाइन करा गया, यानी एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट. द केस मेड बाय द गवर्नमेंट सीम्स एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट. रेज टैक्सेस टू पे पब्लिक अमेनिटीज. देखो क्लियरली लिखा है 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 3 - 2 = 1, ठीक है. सो एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट, कैसे याद करोगे, क्लियरिटी. ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड या होते थे ना, उस पर लोग कैसे लिखते थे, एकदम क्लियर लिखते थे. सो एज ब्लैक एंड व्हाइट कैसे याद करोगे, अटमोस्ट क्लियरिटी.
नेक्स्ट लिखा हुआ इन ब्लैक एंड व्हाइट, आप कैसे याद करोगे इन ब्लैक एंड व्हाइट? इन राइटिंग स्पेशली एन अग्रीमेंट, इन ब्लैक एंड व्हाइट इट मीन्स इन राइटिंग स्पेशली एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रास्ट और अदर फॉर्मल डॉक्यूमेंट. राइटिंग ऑफिशियली सो कॉल्ड एज इन ब्लैक एंड व्हाइट, राइटिंग ऑफिशियली सो कॉल्ड एज ब्लैक एंड व्हाइट. इज देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट दैट एम्प्लॉयज कॉट टेकिंग ऑफिस सप्लाइज विल बी फायर्ड इमीडिएटली. It is there in black and white that employees caught taking office supplies will be fired. उसको करके दे देगा immediately fired कर दिया जाएगा. ठीक है. So this was all about today's session. I hope so कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा. जितने भी students नए जुड़े, अगर Unacademy पर follow नहीं करा, what are you waiting for? First of all, you have to download the Unacademy learning app and then you have to follow me just to avail free classes. Free classes जो भी हो कम से कम उनको तो avail कर लो, right? मेरे दो batches चल रहे हैं. 12 p.m. पर क्लास चल रही है और आप लोगों की 3 p.m. पर प्लस क्लास चल रही है. यार लो क्लासेस करो, मजा आएगा. 5 p.m. पर तुम लोगों की वाईफाई स्टडी पर क्लास होती है. 11 a.m. पर तुम लोगों की वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर क्लास होती है. मेरी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है. एक बार लिखना आयशा राशिद मैम, तुमको मेरी बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी. या आयशा मैम लिखोगे, बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी. अब अनअकैडमी मैम कैसे फॉलो करें? क्योंकि क्लासेस फ्री में, फ्री वाली करो, राइट? सिर्फ आयशा मैम यूट्यूब पर लिखो, अभी जाके लिखो आयशा मैम 7 मिनट ट्रिक्स, आयशा मैम बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, टू वॉच देम. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है. उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, ओपन करना है, अपना फोन नंबर डालना है, ओटीपी वेरीफाई कर लेना है, सर्च पर जाना है और मेरा नाम लिख के उसको जरूर सर्च कर लेना है. फॉलो का बटन प्रेस करना नहीं भूलना है. अब कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, मेन्यू पर जाना है. देखो भाई, मेन्यू पर जाने के बाद तुम लोगों को सब्सक्रिप्शन दिखेगा, ठीक है? मेन्यू पर जाना, प्लस का साइन दबाना, तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा वहां पर. अब सुनो, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना है. डेली इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, कोर्सेज तुम लोगों को पीडीएफ, लाइव मॉक टेस्ट एंड क्विजेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल एक प्लेटफॉर्म पर. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर देम? हाँ, use this referral code Aisha10. With this you will get at instant 10% off. So this was all about today's session. Do like it, now do share it, do subscribe to our channel. Thank you everybody for immense love. Take care of yourselves. Have a nice day ahead.